नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस सीरीज फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल गाइस। तो धमाकेदार यहां पे हीरो ट्राइनेशन में इंडिया का परफॉर्मेंस हमने कल देखा भाई, अगेंस्ट किर्गिस्तान। जिस तरह से भाई इंडिया ने डोमिनेंस दिखाया, आई थिंक मजा आ गया मैच देखे। एंड काफी क्रूशियल विक्ट्री अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो, एशियन गेम्स की प्रिपरेशन के हिसाब से भी आप देखिए तो आई थिंक जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा। अगर हम मैच की बात करें गाइस, तो यहाँ पे इगो स्टेमिक ने जो अपनी म्यांमार वाली लाइनअप थी यहाँ पे दो तीन चेंज किए थे। एक तो डिफेंसिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस के साथ गया था, क्योंकि संदेश जिंगान, अनवर अली एंड प्रीतम कोटाल तीनों को यहाँ पे खिलाया गया था। उसके साथ आकाश मिश्रा तो लास्ट मैच में थी। उसके अलावा मिडफील्ड में भी उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ जाना सही समझा यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेंडन फर्नांडिस, अनिरुद्ध थापा, चेक्सन सिंह एंड सुरेश वांगजाम चारों को स्टार्ट करवाया। तो चारों हमारे हम सबको पता है कि सॉलिड मिडफील्डर है, कि जिन्होंने पीछे काफी टाइम्स इंडिया को रेगुलरली खेल रहे हैं। और उसके अलावा आगे फ्रंट टू में सुनील छेत्री एंड चांग थे, दो के साथ गया था। तो जो उसकी ट्रेडिशनल लाइनअप है 4-4-2 वाली, उसी के साथ वो उतरा था, क्योंकि पता है कि किर्गिस्तान का ट्रांजिशन काफी क्विक है, वो काउंटर पे मारते हैं। तो आई थिंक उसने सही समझा कि 4-4-2 के थ्रू हम उसको बीट कर सकते हैं। मैच की शुरुआत अच्छी होती है इंडिया की, लेकिन फिजिकलिटी वाइज कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं किर्गिस्तान डोमिनेट कर रही थी। हमारी ओर से आप बोल सकते हैं कि संदेश सिंगान एंड चिक्सन सिंह उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर रहे थे। अनवर अली का काफी अच्छा बॉल प्रोग्रेशन था एज ए सेंटर बैक, अगर आप देखिए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस था। लेकिन वहां पे भाई 34th मिनट के अराउंड जिस तरह से वो इंडिया को फ्री किक मिलती है एंड वहां पे वो सेट पीस से भाई जिस तरह से ब्रेंडन फर्नांडिस का बेहतरीन भाई क्रॉस आता है एंड संदेश जिंगान की बेहतरीन रन एंड व्हाट अ फिनिश बाय संदेश जिंगान एंड इंडिया को फर्स्ट हाफ में 1-0 की लीड मिल जाती है। सेकंड हाफ में यहाँ पे फिर से क्या बोलते हैं कि किर्गिस्तान एक अटैकिंग अप्रोच के साथ आती है, लेकिन वो 5-10 मिनट ही दिखता है, उसके बाद इंडिया फिर से सेटल हो जाती है एज अ डिफेंसिव साइड। एंड कल इंडिया का भाई डिफेंसिव परफॉर्मेंस है आई थिंक वो टॉप नॉच परफॉर्मेंस था, जिस तरह से हमारी बैक लाइन ने प्रीतम को, इसीलिए प्रीतम कोटाल का यहाँ पे कल स्टार्ट किया गया था। एंड हेड्स ऑफ टू इगो स्टेमिक ऑन दैट पार्ट की उन्होंने सही तरह टेक्टिकली एसेस किया किर्गिस्तान को और उसके अकॉर्डिंग अपनी टेक्टिकल प्लान उतारी और वो परफेक्टली वर्क करती हुई दिखी, पर्टिकुलरली इन डिफेंसिव एरिया, जिस तरह से हमारी कॉम्पैक्ट डिफेंसिव कल दिख रही थी। आई थिंक जबरदस्त परफॉर्मेंस हमारी डिफेंस का। एंड सेकंड हाफ में भाई नोरे महेश सिंह को यहाँ पे बुलाया जाता है टू गेट मोर कंट्रोल इन दैट लेफ्ट साइड एंड वो करके दिखाते हैं भाई। नोरे महेश सिंह इज अ वेरी मैच्योर प्लेयर, आई थिंक द वे ही प्लेज आई थिंक एब्सोल्युटली। और उन्होंने पेनल्टी भी भाई वो विन करवाई 84th मिनट में एंड सुनील सर ने भाई फिर वो मतलब कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली सुनील सर भाई पेनल्टी कभी मिस नहीं करते और उसी के साथ उन्होंने भाई फ्रैंक पुस्कास, हंगेरी के जो ऑल टाइम हाईएस्ट गोल स्कोरर है और 5th गोल स्कोरर थे ऑल टाइम हाईएस्ट, उनका भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया और सुनील सर अब बन चुके वर्ल्ड के 5th हाईएस्ट गोल इंटरनेशनल गोल स्कोरर और अगर एक्टिव में देखे तो 3rd बन चुके हैं रोनाल्डो मेसी और उसके बाद 85th। तो ब्यूटीफुल पेनल्टी फिनिश बाय सुनील सर ऑल्सो एंड 2-0 से भाई इंडिया की इस मैच में विक्ट्री। आप देखिए एज अ सब्स्टिट्यूशन में अब्दुल समद, रोहित कुमार, मेहताब सिंह, नोरेम रोशन सिंह एंड महेश सिंह, इन पांचों को मौका मिला था, जिन्होंने भी सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। अगर मैं थोड़ा सा इसमें बात करूं इस मैच में पर्टिकुलर किर्गिस्तान के साथ, तो एक अनिरुद्ध थापा थोड़ा सा मेरे को कंपेरेटिव टू अदर प्लेयर्स आई थिंक थोड़ा सा डाउन लगा और सुनील सर भी अगर वो पेनल्टी के अलावा छोड़ दे तो एक दो उसने काफी क्रूशियल आप बोल सकते कि हाफ चांसेस दे जिसको वो कर सकते थे। तो इन दोनों का थोड़ा सा बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा, बाकी आई थिंक एवरीवन हैज बीन रियली रियली सॉलिड। एंड थोड़ा सा मैंने बोला कि जैसे कंट्रोल में हम लैग कर रहे थे कंपेयर टू किर्गिस्तान और एक थोड़ा सा फिजिकलिटी वाइज, अदरवाइज आई थिंक वी हैव बीन एब्सोल्युटली इन दिस मैच। उसके अलावा अगर क्राउड की बात करें तो भाई क्राउड ने भाई मैच से पहले जो जिस तरह से हमारे लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर सर बालाराम को जिस तरह से ट्रिब्यूट दिया टीफो के द्वारा, आई थिंक हेड्स ऑफ टू मणिपुर क्राउड बाई द वे दे हैव शोड अप, दे वे दे सपोर्टेड इंडियन टीम, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड आई थिंक दिस इज द सक्सेस ऑफ AFF टू ऑर्गेनाइज मणिपुर इन मणिपुर द इंटरनेशनल मैच। आई थिंक ये दिखा दिया है कि सिर्फ आपको कोलकाता, केरला, गोवा में क्राउड नहीं मिलेगा, आपको मणिपुर जैसे कि जहाँ पे फुटबॉल का इतना क्रेज है और क्राउड इतना भाई अंडरस्टैंडिंग और जिस तरह से उन्होंने भाई वो टीफो दिखाया, वो फ्लैग्स इंडिया के फ्लैग्स भाई जो लास्ट मिनट चल रहा था तब वो दिखाया भाई जबरदस्त क्राउड का सपोर्ट। उसी के चलते हुए गाइस हम सबको पता है कि वहां पे स्टेडियम में ही मणिपुर के CM बीरेन सिंह एंड AFF के प्रेसिडेंट हमारे कल्याण चौबे जी ने वहां पे भाई MOU भी साइन किया फॉर दी फुटबॉल एक्सलेंस सेंटर जो एस्टेब्लिश होने वाला है मणिपुर में। तो ये मणिपुर को एक और अच्छी गिफ्ट मिल चुकी है कि AFF एंड मणिपुर गवर्नमेंट वहां पे एक फुटबॉल एक्सलेंस सेंटर बनाने जा रही है कि जिससे काफी ज्यादा और हेल्प मिलेगी कि जो यंगर टैलेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं उनको एक अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी और वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आई थिंक वो भी एक बढ़िया न्यूज यहाँ पे रही। उसके अलावा ये भाई इगो स्टेमिक की
पिछले चार सालों में पहली विन है अगेंस्ट हाईएस्ट फीफा रैंकर, हायर फीफा रैंकर कंपेयर टू इंडिया। तो चलो ये भी हो गया फाइनली, एंड इंडिया ने भाई, इंडिया के लिए सक्सेसफुल मैं मानूंगा हीरो ट्राइनेशन की, जहाँ पे उन्होंने जितने भी यंगस्टर को ट्राई किया एवरीवन हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसी के साथ गाइस मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज इज ऑल्सो फॉर इंडियन वुमेन्स गाइस, जिनका भी भाई कल मैच चल रहा था साथ ही में, तो इंडियन वुमेन्स यहाँ पे उज्बेकिस्तान के सामने फ्रेंडली खेल रही थी और वहां पे भी क्लोज फाइट हुई और इंडिया इवेंचुअली 3-2 से हार गई, क्योंकि उज्बेकिस्तान का इंजरी टाइम में 92nd मिनट पे वहां पे गोल आ जाता है, इसीलिए नहीं तो वहां पे भी भाई इंडिया ने अच्छी फाइट दिखाई कंपेरेटिव टू अगर आप जॉर्डन बात करें तो, क्योंकि जॉर्डन के सामने जॉर्डन हमारे से लोअर रैंक होने के बावजूद भी हम उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेले थे, लेकिन उज्बेकिस्तान हमसे काफी हायर रैंक है, 10-15 हायर रैंक है, और वहां पे जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस दिखाई आई थिंक हैट्स ऑफ, एंड आई थिंक जो ओलंपिक क्वालिफायर्स जो दो खेलने हैं आई थिंक उसमें भी काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा इस मैच से, नो डाउट हम काफी क्लोज मार्जिन से हार गए लेकिन वेरी गुड परफॉर्मेंस। उसी के और साथ एक और मैच चल रहा था इंडिया अंडर 17 वुमेन्स का साफ चैंपियनशिप में रशिया के सामने, और वहां पे भी भाई इंडियन वुमेन्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया लेकिन इवेंचुअली 2-0 से हम हार गए, फर्स्ट हाफ में दोनों गोल रशिया की ओर से आ गए थे, और रशिया ने साफ चैंपियनशिप अंडर 17 चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया वुमेन्स की टेबल टैप पे फिनिश करके, इंडिया ने थर्ड पे फिनिश किया है बिलो दी बांग्लादेश। तो ओवरऑल देखिए तो आई थिंक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इंडिया हैज टू परफॉर्म बेटर, आई थिंक सेकंड तो हम एटलीस्ट डिजर्व करते थे, तो वाली सीन था, और उसमें भाई दो अवार्ड्स यहाँ पे हमको मिले हैं, एक तो फेयर प्ले का अवार्ड मिला है इंडियन वुमेन्स को, और उसी के साथ हाईएस्ट गोल स्कोरर हमारी सिलजी साजी को मिला है, तो ऐसे कुछ फाइंडिंग्स हमें जरूर उस चैंपियनशिप से मिले हैं, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था बेटर। तो आई थिंक इंडियन वुमेन्स का भी आप देखें कि ओवरऑल अब जो ये हम सबको पता है कि वुमेन्स लीग भी आने वाली है, तो उससे डेफिनेटली आई थिंक ग्राफ बढ़ेगा। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज इज अबाउट रियल कश्मीर गाइस, तो यहाँ पे भाई आई लीग की टीम रियल कश्मीर के ऊपर AIFF ने यहाँ पे नेशनल बैन लगा चुका है, तो जो इंडियन प्लेयर्स होंगे उनको अब वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे ड्यू टू दी फीफा प्लेयर डेवलपमेंट स्टेटस के चलते, तो फीफा ने यहाँ पे भेजा था कि प्लेयर डेवलपमेंट स्टेटस यहाँ पे सही तरीके से रियल कश्मीर ने शो नहीं किया, तो उसी के चलते यहाँ पे AIFF ने नेशनल बैन लगा दिया है रियल कश्मीर के ऊपर, तो लेट्स सी कि कब तक वो बैन रिवोक होता है, एंड आगे आने वाले टाइम में क्या रियल कश्मीर किस तरह के स्टेप्स लेता है वो देखना जरूरी रहेगा। तो दैट्स इट फॉर इंडियन फुटबॉल गाइज from today from my side guys, agar aapko ye video pasand aaya to keep supporting us and keep supporting Indian football particularly guys, and hit the like and subscribe button right now, thank you very much, Jai Hind Jai Bharat।